आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेस्ट डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन इनसाइड द टेस्टिंग कॉन्सेप्ट। किसी भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए उसके टेस्ट की डिजाइनिंग और टेस्टिंग का एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए उसके टेस्ट की डिजाइनिंग और उस पर्टिकुलर टेस्ट का एग्जीक्यूशन कैसे उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग को इम्प्रूव करता है। देखते हैं गाइस, सबसे पहले देखिए टेस्ट डिजाइनिंग का स्पेसिफिकेशन। डिजाइन लेवल में स्पेसिफिकेशन, एग्जीक्यूशन, रिकॉर्डिंग, देन लास्ट है चेक कॉम्प्लिकेशन, चेक कॉम्प्लेक्शन। फर्स्ट में स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। इसमें आइडेंटिफाई कंडीशन, पहले केस में हमको टेस्टिंग के लिए क्या करना है, आइडेंटिफाई कंडीशन, कंडीशन को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है। सेकंड है डिजाइन टेस्ट केसेस, टेस्टिंग के केसेस को डिजाइन करना है। और तीसरे स्टेप में बिल्ड टेस्ट, टेस्ट के केस को डिजाइन करके टेस्ट को बिल्ड करना है, टेस्ट को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, ए गुड टेस्ट केस, एक अच्छे टेस्ट के केस में क्या क्या पॉसिबल है देखिए गाइस। फर्स्ट, इफेक्टिव होना चाहिए, फॉल्ट ढूंढने में असरकारक होना चाहिए, एक्सप्लेरी होना चाहिए, देन इवोल्यूबल होना चाहिए, देन इकोनॉमिक होना चाहिए। ये पर्टिकुलर कॉस्ट, ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एक अच्छे टेस्ट में होने कंपल्सरी। नेक्स्ट देखिए टेस्ट स्पेसिफिकेशन, किसी भी टेस्ट को स्पेसिफाइड करने के लिए ये तरीके हैं, आइडेंटिफाई, डिजाइन और बिल्ड, तीन स्टेप में किसी भी एक टेस्ट को डिवाइड किया गया। फर्स्ट आइडेंटिफाई में डिटरमाइन व्हाट इज टू बी टेस्टेड, इस केस में यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि यदि आप क्या टेस्ट करने जा रहे हो। सेकंड केस में डिजाइनिंग में हाउ, आप कैसे टेस्ट करने जा रहे हो। और लास्ट में बिल्ड है, उस पर्टिकुलर टेस्ट को बिल्ड करना, इंप्लीमेंट करना। आइडेंटिफाई के केस में आप किसको टेस्ट करने जा रहे हो, डिजाइनिंग के केस में आप कैसे टेस्ट करने जा रहे हो, और बिल्ड के केस में आपने उस टेस्ट को इंप्लीमेंट कर दिया है, यूज में लाया। नेक्स्ट देखिए टेक वन, आइडेंटिफाई कंडीशन, ये आप कैसे करोगे। फर्स्ट डिटरमाइन व्हाट इज टू बी टेस्टेड एंड प्रायोरिटी, टेस्टेड क्या टेस्ट करना है और क्या प्राथमिकता है, इसको सबसे पहले देखिए। देखिए यूज द टेस्ट डिजाइन टेक्निक स्पेसिफाइड इन द टेस्ट प्लान, देयर मैनी बी मैनी कंडीशन फॉर ईच सिस्टम फंक्शन आर एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल लाइक एश्योरेंस ऑफ ए विंटर स्पोर्ट्समैन, नंबर आइटम्स ऑर्डर्ड ग्रेटर देन 99, डेट इक्वल टू 29 फरवरी 2004। ये पर्टिकुलर क्या है, कंडीशन है। इन पर्टिकुलर टेस्ट पे, इस केसेस पे क्या टेस्ट करना है, ये एग्जांपल दिया है। पहले केस में एश्योरेंस चेक करना है, एश्योरेंस टेस्ट करना है विंटर स्पोर्ट्समैन का, देन बड़े नंबर 99 से बड़े नंबर, देन डेट 29 फरवरी 2004। सेकेंड प्रियोरिटी एंड कंडीशन, इसमें प्रियोरिटी और कंडीशन भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सेकेंड सेलेक्टिंग कंडीशन है, देखिए फर्स्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, उसमें से कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हुए कुछ कंडीशन को चेक करना, इंपॉर्टेंस और टाइम के बिहाफ में। सेकेंड है टास्क टू, अब टास्क टू के केस में क्या होगा गाइस, देखिए डिजाइनिंग टेस्ट केसेस, अब टेस्ट केस को डिजाइन आप कैसे करोगे, हाउ, दैट मीन्स डिजाइन करने का तरीका। फर्स्ट है डिजाइन टेस्ट इनपुट एंड टेस्ट डाटा, टेस्ट के इनपुट को और टेस्ट डाटा को डिजाइन करना कि क्या इनपुट करोगे और क्या डाटा इनपुट करोगे। सेकंड है डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो रिजल्ट आप सोचते हो उन पर्टिकुलर रिजल्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कि इस पर्टिकुलर टेस्ट को करने से आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आ सकता है। नेक्स्ट है डिजाइन सेट ऑफ टेस्ट,
मल्टीपल जो भी टेस्ट करना है उन सभी टेस्ट का समूह, कौन कौन से टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, पूरे टेस्ट का समूह बनाना भी डिजाइनिंग फेज का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डिजाइन किया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट कंडीशन, लीस्ट इम्पोर्टेंट और टेस्ट केसेस, ये कॉन्सेप्ट है। टाइम में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट को इंक्लूड करना है, कुछ लेस इम्पोर्टेंट को आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते। नेक्स्ट आइए बिल्ड टेस्ट केसेस, प्रिपेयर टेस्ट स्क्रिप्ट, रिजल्ट, टेस्ट डाटा को प्रिपेयर करना, देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो रिजल्ट आप चाहते थे, जैसा रिजल्ट आप चाहते थे उस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रिजल्ट को भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये थर्ड फेज टेस्टिंग। नेक्स्ट प्लानिंग डिटेल लेवल, अब एग्जीक्यूशन पे आते हैं गाइस। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, स्पेसिफाइड कर लिया, अब एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट को। टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट प्रिस्क्राइब टेस्ट केसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फर्स्ट, वुड नॉट एग्जीक्यूट ऑल टेस्ट केसेस इफ टेस्टिंग ओनली फॉल्ट फिक्सेस, टू मैनी फॉल्ट फाउंड बाई अर्ली टेस्ट केसेस, टाइम प्रेशर, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि किसी भी टेस्ट के एग्जीक्यूशन में मेन पार्ट अदा करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देन कैन बी प्रिफर्ड मैनुअली और ऑटोमेटिक, आप कौन सा टेक्निक यूज करते हो, मैनुअली टेस्ट करोगे या ऑटोमेटिक टेस्टिंग फंक्शनिंग को यूज करोगे। तो गाइस ये है टेस्टिंग के एग्जीक्यूशन के टूल। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग की रिकॉर्डिंग प्लानिंग, जिसमें टेस्टिंग की रिकॉर्डिंग आप कैसे करोगे, टेस्ट रिकॉर्डिंग कंटेंट, सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट, टेस्ट स्पेसिफिकेशन, इसमें टेस्ट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। फॉलो द प्लान, मार्क ऑफ प्रोग्रेस ऑन टेस्ट स्क्रिप्टिंग, अगर प्रोग्रेस हो रही है उसको मार्क करोगे, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करोगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और टेस्ट केसेस के रिजल्ट को कैप्चर करोगे, स्टोर करोगे, रिकॉर्ड्स को एस्टेब्लिश करोगे, रिकॉर्ड को प्रॉपर वे में स्टोर करके रखोगे और पूरी एक्टिविटीज को आप स्पेसिफाइड करोगे। स्पेसिफाइड करने का मतलब है व्यवस्थित तरीके से एक जगह पे विशेष कर व्यवस्थित करके रखोगे विशेष तौर पर। नेक्स्ट है टेस्ट रिकॉर्डिंग टू, इस केस में क्या करोगे, कंपेयर एक्चुअल आउटकम विथ योर एक्सपेक्टेड डाटा, जो आप चाहते थे और जो एक्चुअल में आया है, इन दोनों पर्टिकुलर रिजल्ट को आपस में एक दूसरे से कंपेयर करोगे। सॉफ्टवेयर के फॉल्ट्स को टेस्ट करोगे, टेस्टिंग के फॉल्ट्स को चेक करोगे, एनवायरमेंट के वर्जन के फॉल्ट को चेक करोगे, टेस्ट रन इनकरेक्टली, टेस्टिंग अगर प्रॉपरली नहीं हो पा रही वो फीचर पे ध्यान दोगे, लॉन्ग कवरेज लेवल्स अचीव्ड होंगे, मेजर स्पेसिफाइड एज टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया, लॉन्ग कवरेज लेवल अचीव, बहुत लंबे समय के लिए अगर कोई टेस्टिंग लंबे समय बाद की जाती है तो उसमें सर्कमस्टेंसेस भी बदल जाते हैं, आफ्टर द फॉल्ट हैज बीन चेंज्ड, अगर कोई गलती होती है उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस किए गए। नेक्स्ट है चेक कंप्लीशन, इसको भी देखते हैं। इस केस में स्पेसिफिकेशन से जो भी रिजल्ट आता है उस पर्टिकुलर रिजल्ट को आप चेक करते हो, स्पेसिफाइड जो आपने एक रिजल्ट को एक्सपेक्टेड किया था, जो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड था उस रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट को आप कंपेयर करोगे चेक कम्प्लीकेशन के केस। इस केस में क्या करते हो, यूनिट टेस्टिंग, यूजर रिक्वायरमेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन, फॉल्ट, कॉस्ट, ये सब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने पूरे के पूरे रिजल्ट को, अपनी पूरी की पूरी वर्किंग को एनालाइज करते हैं इस केस में। देन समझने के लिए यह डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, कंपेरिजन ऑफ टास्क, प्लानिंग, स्पेसिफाइड, एग्जीक्यूट और रिकॉर्डिंग, ये चार है जिसको आप इंटेलेक्चुअल ऑन ऑफ एक्टिविटी बोलते हो। देन गवर्न द एक्टिविटी ऑफ टेस्ट, ये चार एक्टिविटी टेस्टिंग की है जिसमें एक्टिविटी रिपीटेड मैनी टाइम्स क्रिटिकल, गुड ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स इन चार कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी एक टेस्ट को बार बार लगातार परफॉर्म कर।
तो गाइस ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यही कॉन्सेप्ट स्पेसिफाइड किया है दैट टेस्टिंग से रिलेटेड नए कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।